तीसरे दिन ही भोला ने मचाई तबाही। आईपीएल के बावजूद भी पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों 30 मार्च को दो फिल्में रिलीज हुई थी, एक थी तेलुगु फिल्म दशहरा तो दूसरी थी साउथ की रीमेक भोला। एक तरफ दशहरा ताबड़तोड़ कमाई कर रही है तो दूसरी तरफ भोला ने भी अपना तीसरे दिन भौकाल मचा दिया है। पठान का रिकॉर्ड टूटने ही वाला था अगर आईपीएल ना होता, तो आईपीएल के कारण पठान का रिकॉर्ड बच गया। दशहरा ने तीसरे दिन 13 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली और उसका टोटल कलेक्शन 45 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों भोला ने भी तीसरे दिन थोड़ा रंग दिखाया और 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और उसका टोटल कलेक्शन 28 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो गया। अजय देवगन की फिल्म भोला ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जहां 11 करोड़ का ही कलेक्शन किया था, तो वही फिल्म ने दूसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म की कमाई 35 से 40% गिरावट दर्ज की गयी थी, जिसके बाद फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 10 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर गई है। ये फिल्म साउथ की फिल्म की हिंदी रीमेक है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी अजय देवगन साउथ की हिंदी रीमेक ला चुके हैं और फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। आज वीकेंड ऑफ होने की वजह से निर्माताओं को उम्मीद है कि फिल्म की कमाई में पहले व दूसरे दिन की अपेक्षा कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि फिल्म चौथे दिन पर 15 से 20 करोड़ की कमाई कर सकती है। अब देखने लायक होगा कि फिल्म तू झूठी मैं मक्कार फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़कर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाती है कि नहीं। दोस्तों आपको दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म आपको पसंद आई है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।